तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और हम लोग इस टॉपिक में करेंगे कि बिहार के जो संबंधित भूगोल के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सब देखेंगे। तो बिहार स्पेशल जो भूगोल है इस वीडियो में हम लोगों ने डाला है। इसके पहले दो वीडियो और मैंने आपको BPSC 65 से संबंधित डाला है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको देख लेते हैं कि बिहार की प्रमुख नदियों के गंगा में कहाँ मिलती हैं, वो सब, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाता है। चौसा के पास आपको कर्मनाशा नदी मिलती है, इसको आपको भारत और यूपी का जो विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। छपरा के समीप आपको घाघरा नदी मिलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। छपरा, घाघरा, ऐसे याद रखिएगा। चौसा, कर्मनाशा, ये तो याद रहेगा आपको। मुंगेर, बागमती, मुंगेर में बागमती नदी से मिलती है, ठीक है। कुरुसेला के समीप कोसी नदी से मिलती है। मनिहारी के पूर्व महानंदा नदी, और मनेर के समीप आपको सोन नदी। फतुहा के पास आपको पुनपुन नदी, ये 63 BPSC में पूछा भी जा चुका है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब जो क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों से ये सब गलतियाँ नहीं होती हैं, वो PT क्वालिफाई करते हैं। आपसे गलतियाँ होंगी तो आप एक से ही नीचे चले जाइएगा। सूर्यगढ़ा के समीप ये क्यूल नदी से मिलती है। बाड़ताल के क्षेत्र के निकट फल्गू नदी से गंगा मिलती है। ध्यान दीजिए कि ये जितनी भी नदियाँ यहाँ से गंगा मिलती हैं। कर्मनाशा मिलती है चौसा, घाघरा से मिलती है छपरा के पास, बागमती नदी मिलती है मुंगेर के पास, कुरुसेला के समीप कोसी नदी, मनिहारी के पास आपको महानंदा नदी, मनेर के समीप सोन नदी, फतुहा के पास पुनपुन नदी, सूर्यगढ़ा के समीप किउल नदी, और बाढ़ के ताल क्षेत्र के निकट फल्गू नदी से गंगा मिलती है। तो ये डायरेक्ट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैंने आपको दोस्तों अरियंत का नहीं करा, प्रयोजन पब्लिकेशन का है, बिहार का जो स्पेशल बुक मैंने आपको एडवर्टीजमेंट किया था उसी से मैंने लिया है। और ये आते हैं आपको फिर नेक्स्ट, ये कहीं और से मैंने आपको लिया है, जहां आपको मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको पढ़नी चाहिए, तो वो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भूगोल से संबंधित। एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सरयू नदी को बिहार के किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं जो बुक्स हैं, समाचार पत्र हैं बिहार का, वो कराऊंगा। सड़क वगैरह जो है, कौन सा NH है, किस शहर से गुजरती है, कौन सा मार्ग, कौन सा NH, ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी मैं आपको कराऊँगा। तो जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू। सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। वैशाली जिला का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो हाजीपुर में। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है, अभी BSSC का आपको 12th का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। मैं झील वगैरह का अलग से करा दूंगा दोस्तों। समस्तीपुर किस नदी के तट पर है? बूढ़ी गंडक के तट पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौवा डोला पर्वत आपको बिहार के किस जिले में है? नवादा में है। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको गंभीर होकर देखिएगा। बिहार में फल शोध संस्थान किस जिला में है? भागलपुर में है। बिहार में कोइलवर नदी किस नदी पर आपको, कोइलवर पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर है। आप लोग अगर आरा जा रहे हैं बाई ट्रेन, बाई कार, तो आप सोन नदी से आपको ये गुजरिएगा, तो उसी के ऊपर आपको कोइलवर पुल होगा, ठीक है। जूट उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पूर्णिया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, शायद 63 या 64 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जूट उद्योग ये हमने कर लिया। मीर कासिम का किला बिहार के किस जिला में स्थित है? मुंगेर। एक आध हिस्ट्री का भी प्रश्न होगा, चूंकि मैंने टाइप नहीं किया है, बुक से टाइप है, इसलिए मीर कासिम का किला बिहार के किस जिले? मुंगेर में है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है। मीर कासिम का इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर हस्तांतरित की थी, वहाँ इन्होंने बंदूक के कारखाने भी काफ़ी खोले, जो हमने आपको कल डिस्कस किया था। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी है। अब्रक बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुंगेर में आपको अब्रक पाई जाती है, और अब्रक जनरली आपको कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है, झारखंड के। खगड़िया झील बिहार के किस प्रमंडल में है? मुंगेर प्रमंडल में है खगड़िया। सारण जिला का मुख्यालय छपरा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखिए, जिला का मुख्यालय, प्रमंडल, ये सब क्वेश्चन पूछता है, कितने अनुमंडल है, कितना प्रमंडल है, किस प्रमंडल का कौन सा है, सबसे ज़्यादा किस में जिला है, ये सब चीज़ें पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर किस प्रखंड में है? सारण में है। बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला, देखिए ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम आपको जिला है। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? भागलपुर और कोसी, देखिए।
गंगा नदी के किनारे गंगा नदी गंगा सागर में कहाँ विलीन हो जाती है, सुंदरवन के निकट आप जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा कि गंगा नदी आपको वहाँ विलीन हो जाती है गंगा सागर में। वहाँ आपको कई लोग जाते हैं घूमने वगैरह भी जाते हैं। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है, बाढ़ है, बेगूसराय है, भागलपुर है, दरभंगा नहीं है, दरभंगा आपको कमला नदी पे है, कमला नदी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है आपको, 510 किलोमीटर है। गंडक नदी आपको बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से आपको यह निकलती है। कमला नदी की उत्पत्ति कहाँ है, हिमालय की महाभारत श्रेणी में है। दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो जो देखते हैं एक पेज में अगर आप नोट कर लेंगे और एग्जाम के लास्ट समय में इसको पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। कमला नदी बिहार के महाभारत, ठीक है, सोमेश्वर बूढ़ी गंगा। मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी है, पुनपुन नहीं है, सोन नदी। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश का जो पठारी एरिया है अमरकंटक, ठीक है, उसे तीन नदी निकलती है। उत्तरी की तरफ चल जाती है कौन सी, सोन नदी। आपको पश्चिम की तरफ चल जाती है नर्मदा नदी और आपको पूर्व की तरफ चल जाती है महानंदा नदी। तो तीनों का आपको स्थल कौन सा है, अमरकंटक की पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश में आपको ये है, ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी में कौन है, फल्गु नदी है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, देखिए हमने ऊपर पढ़ा भी था, अभी लास्ट में देखेंगे फिर से। छपरा के निकट आपको घाघरा नदी गंगा में मिलती है, ये सब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। हिंदू धर्मावली इस नदी में पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी आपको गया में है, पितृपक्ष अभी चल भी रहा है, पितृपक्ष आपको अभी जाइएगा गया तो काफ़ी भीड़ होगा, काफ़ी वहाँ भीड़ होता है, आपको पिंडदान दिया जाता है। प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर किस नदी किनारे है, फल्गु नदी किनारे है। ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में है, औरंगाबाद में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार में सूर्य मंदिर आपको प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, इस तरह का क्वेश्चन था कि बिहार में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ आपको है और ये औरंगाबाद में है, देव का सूर्य मंदिर इसका नाम है। जूट कारखाना निम्नलिखित में से किस जिला में है, कटिहार में है। जूट का कारखाना कटिहार में, जूट सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है पूर्णिया वगैरह क्षेत्र में, तो ये भी उस क्षेत्र से संबंधित है। मोतीलाल जूट मिल्स बिहार में कहाँ केंद्रित है, आपको दरभंगा में है। अशोक पेपर मिल आपको कहाँ है, तो ये भी दरभंगा में है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपको कुछ हो गया, यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताया था जो भी मैंने अभी कुछ देर पहले सबसे स्टार्टिंग में यही बताया है। तो ये क्वेश्चन आज का हो गया, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटा छोटा वीडियो है, इसको देखिए, याद कीजिए, इन्जॉय कीजिए और फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अब वो भी आपको कोशिश करूंगा बिहार से संबंधित। अभी 15 अक्टूबर तक आपको 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, कोशिश करूंगा कि आपको 12 अक्टूबर तक मैं आपको ठीक ठाक चीज़ें प्रोवाइड करा दूं। अभी 20 दिन हैं, 20 दिन में मैं आपको ठीक ठाक चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, खासकर बिहार स्पेशल हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके मिसलेनियस क्वेश्चन, बिहार करेंट तो मैं पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों थैंक यू।